एक बार की बात है, फ्लोरिडा में एक हैप्पी फैमिली रहती थी और एक नौकर उस घर में बहुत सालों से काम करता था। नौकर का नाम जॉन था और वह फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए काम करता था। वह कई सालों से परिवार के लिए काम कर रहा था और वह उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता। वह एक अच्छे और ईमानदार इंसान थे और परिवार उनसे बहुत प्यार करता था। पर एक दिन जॉन और उसके मालिक की बहस हो गई। जॉन ने कुछ ऐसा कहा कि जिससे उसके मालिक को गुस्सा आ गया और उसने जॉन को नौकरी से निकाल दिया। जॉन के पास नौकरी नहीं थी, इसीलिए वह बहुत परेशान था और उसने बदला लेने का फैसला किया। जॉन एक डॉल खरीदी और उसे तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक उस गुड़िया पर काला जादू करके वह डॉल मालिक के बेटे रॉबर्ट को देने को कहा। तांत्रिक के कहा अनुसार जॉन ने वह गुड़िया रॉबर्ट को दे दिया। नौकर से गुड़िया पाने के बाद रॉबर्ट इतना खुश हुआ कि हर पल उसे अपने साथ ही रखता था। वे उसे इंसान की तरह समझने लगा। इसी बीच घर वालों ने देखा कि रॉबर्ट का कमरा बिखरा हुआ हालत में मिलता था और घर से चीज़ें भी गायब थीं। जब लोग उससे इसके बारे में पूछता तो वो गुड़िया की ओर इशारा करता। हालांकि घर वालों को इस पर भरोसा नहीं हुआ। एक रात रॉबर्ट ने खुद गुड़िया को जागते और चलते देखा, जबकि कमरे की चीज़ें और फर्नीचर हवा में लहराने लगे। इस घटना के बाद रॉबर्ट का प्यार गुड़िया की ओर बढ़ गया और वो अकेले उससे बात करता था। धीरे धीरे पड़ोसियों और शहर के लोगों को भी इसका पता चलने लगा। आखिरकार उन्होंने गुड़िया को डिब्बे में बंद कर दिया और रॉबर्ट को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। पर वक्त के साथ रॉबर्ट बड़ा होता गया। रॉबर्ट एक सुंदर युवा था जिसे सभी पसंद करते थे। उसके पास प्यार करने वाला परिवार, सफल बिजनेस और हसीन पत्नी थी। लेकिन रॉबर्ट की ज़िंदगी में एक रहस्य था, वो काला जादू वाला डॉल। बात यह है कि रॉबर्ट की शादी के बाद वह जिस घर में शिफ्ट हुआ वहाँ गुड़िया को भी लेकर गया। रॉबर्ट पत्नी से प्यार करता था लेकिन डॉल का आकर्षण अजीब था। वह उसके साथ सोता, उसे हसीन कपड़े पहनाता और डॉल की बालों में इत्र की महक तलाशता। पत्नी को डॉल से जलन होने लगी। रॉबर्ट का व्यवहार बदलने लगा, वह उदास रहने लगा, प्रिया को नज़रअंदाज करने लगा और डॉल से ही बात करने लगा। पत्नी के मना करने के बाद भी उसका प्यार डॉल से कम नहीं हुआ। एक दिन मिस्टीरियस तरीके से रॉबर्ट का मौत हो गया। पर रॉबर्ट की मौत के बाद उसका घर जिस परिवार ने खरीदा उसमें मासूम एक बच्ची ने गुड़िया को बॉक्स से निकाल दिया। फिर से उसने वही काम शुरू कर दिया। उन लोगों का घर से फर्नीचर गायब हो जाता था और रात को फर्नीचर हवा में लटकी होता था। और एक दिन उस डॉल ने बच्ची के साथ बात किया, पर बच्ची ने बताया कि वो उसे मारना चाहती है। आखिरकार उन्होंने गुड़िया को फ्लोरिडा के म्यूज़ियम में डोनेट कर दिया। यहाँ भी गुड़िया म्यूज़ियम को बिखार देती थी, जिसके बाद उसे एक कैबिन में बंद कर दिया गया था। बताते हैं अगर कोई गुड़िया की इजाज़त के बिना उसकी फ़ोटो खींचता है तो उसके साथ डरावनी हरकतें शुरू कर देती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरी